आज मेरी बारी है कहानी बताने की। तो आप सभी को गुस्सा तो आता होगा, है ना? मुझे भी आता है। और गुस्सा किसी का भी हो, चाहे बच्चे का हो या चाहे बड़े का हो, पागल का हो या समझदार इंसान का हो, गुस्सा सभी का खतरनाक ही होता है। गुस्सा कभी अच्छा नहीं हो सकता। इस दिशा में अच्छा नहीं हो सकता यार, सामने वाला व्यक्ति समझने वाला नहीं है, सामने वाला इंसान मन में बिठाने वाला है, तो उसके लिए तो किसी का भी गुस्सा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। और जो बातों को समझने वाला होता उसके लिए किसी का भी गुस्सा कल्याणकारी होता है। दो बातें होती है, एक जिसको गुस्सा आया है और दूसरी जिस पे गुस्सा किया है, ठीक है? ये दो बातें होती है। होता एक से गुस्सा आया, दूसरा जिस पे गुस्सा निकला, जिस पे गुस्सा किया गया हो, है ना? तो ये दो बातों में से अगर गुस्सा बढ़ रहा है, जब बढ़ते जा रहा है, गुस्से के कारण आप ज्यादा डांट खा रहे हैं, आप ज्यादा कुछ को सुनने को आ रहा है, तो समझ जाओ गलती आपकी है। और गुस्सा बढ़ के ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो गया, मतलब आप समझदार इंसान हैं। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप गुस्सा मत करो, ये बोलना भी गलत है। क्योंकि गुस्सा कई बार क्या होता है कि मन की कोई बात होती है जो दबी होती है, जो एकदम से निकल आती संस्कार के रूप में, तो तब किसी से अपेक्षा करना कि बाबा तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तो गुस्सा आ गया, जाके बोलो उसे, तुम कभी जाके बोलने का प्रयास करो, कभी मम्मी पापा गुस्सा आ गया जाके बोलो, बोलिए मम्मी बंदी जी गुस्सा मत करो, मम्मी बंदी जी ने बोला ना गुस्सा मत करो, भगवान बुद्ध ने बोला गुस्सा मत करो, तब देखना फिर मम्मी पापा का रिएक्शन रहेगा। आप सभी समझ सकते, अगर आपने तब जाके बोला गुस्से में मम्मी और गुस्से में पापा, तब जाके बोला आपने मम्मी बुद्ध जी बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप तो सुनते हो ना रोज, बुद्ध ने भी कहा है गुस्सा नहीं करना चाहिए, तब मम्मी पापा गुस्सा और भी आ जाएगा। ये किसी भी इंसान का गुस्सा और भी आ जाएगा। तो एक समझदारी जो होती है, इस समय में समझदारी कौन दिखा सकता है जिसे गुस्सा नहीं आया? वो समझदारी दिखा सकता है, उसके हाथ में बहुत ज्यादा फिलहाल पावर है। और उसके हाथ में कौन सी पावर है? पेशेंस की। पेशेंस इज ऑल्सो अ पावर। पेशेंस मतलब क्या होता है? धैर्य। तो गुस्सा सामने वाले को है, आपको तो नहीं आया है ना गुस्सा, तो आप क्या रख सकते हो अपने पास? पेशेंस। अभी आपकी परीक्षा है, जिसको गुस्सा है उसकी परीक्षा नहीं, क्योंकि उस पर गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के पहले शायद से उसकी परीक्षा का समय था, गुस्सा आने के बाद अभी उसकी परीक्षा नहीं। अब जिसको गुस्सा आया है उसके सामने जो उसकी परीक्षा है, और उससे पता चलता है कि वैधानिकता क्या है, उससे पता चलता है कि हमने माइंड को कितना ट्रेन किया है और अभी हम शरीरों को कितना बचाना चाहते हैं। याद रखिए, जिसका माइंड शांत है, जिसके मन में गुस्सा नहीं है, उस व्यक्ति वो व्यक्ति सही मायने में अपने शीलों की या अपने गलत कामों की रक्षा कर सकता है, अपने गलत कार्यों से दूर रहने की रक्षा कर सकता है। जिसको गुस्सा आया है उसे तो स्वाभाविक है, उस समय उसका वो स्वभाव है, उस समय उसके मन का वो स्वभाव है कि अभी वो वाणी से या काया से कुछ ना कुछ गलत करेगा, उसके वाणी का शील टूटेगा या काया का शील टूटेगा, उसके वाणी से कुछ गलत शब्द निकल जाएंगे, उसके काया से कोई गलत काम हो जाएगा, किसी को मार सकता है, किसी को हाथ दिखा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये स्वाभाविक है। ये अंडरस्टैंडिंग आप सभी को डेवलप करनी होगी, समझनी होगी। और उस समय जब भी किसी गुस्से में देखे आप अपने सामने में कि इसको गुस्सा आ गया है, तब क्या करो? अरे पहले ही मन को बोलो, अब तो मुझे बहुत भले बुरे शब्द सुनने के लिए मिल सकते हो। दूसरी बात, फिर से एक बात अपने आपको बोलो, शायद सब कुछ पुरानी बात तो उभर के निकल सकती है, मुझे उन मौकों में भी शांत रहना। शायद ये कुछ भविष्य के बात भी की जा सकती है, नकारात्मक रूप में, नेगेटिवली मेरे फ्यूचर को लेकर बात की जा सकती है, मुझे शांत रहना, मुझे गाली भी दे सकता है, मुझे शांत रहना,
मुझे मार भी सकता है, शांत और जल्द से जल्द उस समय के लिए वहां से निकलने का प्रयास कीजिए। ये काम आपको करना है, देन यू कैन बी गुड सन गुड डॉक्टर। तो ये आपको तब काम करना है, क्योंकि गुस्से वाले इंसान से गुस्से के समय अपेक्षा नहीं कर सकते। अपेक्षा जिसको गुस्सा नहीं है उससे की जा सकती है, क्योंकि उसका मन शांत है। शांत मस्तिष्क से कुछ किया जा सकता है, अच्छा काम है। क्रोध युक्त मस्तिष्क से अच्छा काम किया जाता है तो कभी क्रोध बुरा नहीं माना जाता, क्रोध को अच्छा माना जाता। बोलते क्रोध कर तो अच्छा काम करें, क्रोध में कभी अच्छा काम नहीं सकता। कैसे अच्छा काम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए अगर सामने वाले क्रोध है तो आप शांत हो जाओ। तो इसका मतलब फिर जब क्रोध आए तो उस क्रोधित इंसान का क्या करें, अगर मुझ में क्रोध आया तो मैं क्या करूं, उस समय कुछ नहीं कर सकते। जो क्रोधी व्यक्ति है वो खुद शांत होने पर कुछ कर सकता है, जब उसका खुद शांत हो जाए। या क्रोध जब आ गया तब कम से कम इतना अभी जान ले कि मुझे गुस्सा आ गया है, मैं कुछ बुरा कर सकता हूँ, मैं उससे इतना ही बोल दिया ये भी काफी। कोई इंसान के साथ जब किसी को खो जाता है आर्गुमेंट मत करो, चुपचाप ओके जी, ठीक है ओके ओके ठीक है, खोज में है आगे के बाद। और हम गलती जो करते हैं कि खोज इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही तो होता है, ऐसा मत किया करो ऐसा। अरे नहीं, अभी मत समझाओ उसे, उसका क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि हम में हमारा अहंकार होता है और अहंकार उस समय और भर जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं। So, इसलिए क्रोध जिस पे उतर रहा है, जिस पे क्रोध किया जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए अच्छी बात है कि उसने इस प्रकार बातें करनी चाहिए, इस प्रकार सावधान रहना चाहिए। अब जो क्रोध क्रोधी इंसान होगा, जो क्रोध होता है और जो बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, क्रोध का एक अलग ही रूप है। परफेक्ट रूप में हम उसे क्रोध नहीं कह सकते हैं, पर जो इंसान बहुत ही चिड़चिड़ करता है, छोटी छोटी बातों में चिची करता है, छोटी बातों पर क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, उस इंसान को भी आपने समझना चाहिए कि इसको किसी चीज का टेंशन होगा, किसी चीज की परेशानी होगी। कभी कभार आपसे भी देखा होगा अपने घर में, कभी कभार पापा या मम्मी या भाई, बड़ा भाई या छोटी बहन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। हम भी बोलते हैं कि अरे छोटी बात पे गुस्सा हो रहा है क्या, गुस्सा अलग बात है क्या। अरे हमें समझना चाहिए, अगर छोटी बात पे गुस्सा है मतलब कुछ ना कुछ परेशान होगा, कुछ तो ये मन बात खटक रहे होंगे, ध्यान कहीं और होगा, ये हमारा काम होता है। सामने वाला जब गलत रिएक्ट कर रहा है तो उसको समझने की क्षमता अगर आप में नहीं है, उसको पेशेंसली हैंडल करने की क्षमता आप में नहीं है, तब सिचुएशन को समझने की कोशिश में कर रहे आप अपनी चलाना चाहते हैं, एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग। जिद्दी अच्छी नहीं है, जिद किसी भी चीज के लिए क्यों ना हो, जिद कभी अच्छी नहीं होती है। अगर आप जिद्दी बन गए तो ऑफकोर्स बहुत चीजें खोगे, तो इस बात का ध्यान, चिड़चिड़ा मत है। कुछ चिड़चिड़ हो रहा है तो समझ के लो, पर कुछ चिड़चिड़ मत हो, क्योंकि चिड़चिड़ पता है क्या होता है, भगवान के समय का एक भिक्षु था, बहुत गुस्सेल था और चिड़चिड़ा था, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए, छोटी छोटी बातों पे किसी को भी डांट देना, भिक्षु था। भगवान के उपदेश सुने थे पर फिर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं पाया, होता है। पर आदतों को अगर तुम ऐसा बोलोगे नहीं मुझे चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है तुम रीजन दे रहे हो कि चेंज नहीं हो रहा, होता है कभी कभार लोगों को चेंज नहीं होता, पर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए भी फिर तैयार होना पड़ता है इंसान को। तो भगवान के समय वो भिक्षु जो था वही बहुत ही चिड़चिड़ा था, बहुत ही गुस्से स्वभाव का था। एक दिन क्या होगा, बीमार हो, बीमार तो होता है, हर कोई होता है, ऐसा कोई नहीं बीमार ना हो, ये जीवन का एक फैक्ट है। फैक्ट इसलिए क्योंकि हमारे पास एक शरीर है, बीमार हुआ वो, बीमार हो रहा है तो खुद का ध्यान खुद रख सकते क्या हम, बीमारी के समय में खुद भी शरीर होता है जो हमें ध्यान रख सके, खाना दे सके, पानी दे सके, हमारी चीज देखभाल रख सके। तो बीमार हुआ, अब बीमार हुआ तो उसकी कोई देखभाल करने के लिए नहीं आया, क्यों तुझे क्यों नहीं आया हूं, इतना भिक्खु संघ होता है, इतने सारे लोग रहते हैं कि टेम्पल में
पर फिर भी कोई करने के लिए नहीं। हर कोई तो स्वार्थी नहीं हो सकता ना, एक तो जनता चाहिए, पर कोई नहीं आया। पर कोई भूल चूल के एक हाथ वगैरह आ भी गया तो भी इसकी हैबिट हो गई थी, हैबिट से मजबूर होता है इंसान, तो उसे तो उसका भी कुछ गलती हो गया तो उसको ठीक लगा, तुरंत उस पर चिल्ला देगा, फिर वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएंगे, वो भी रुपये छोड़ो यार, बोलेंगे हम ही अच्छी सेवा करें, हमको डांट रहे हैं, हमको चिल्ला रहे हैं, निकल जाओ। तो फिर कोई नहीं आया, ऐसे कर करके पूरा उसकी ना देखभाल करने के लिए कोई था, खटिया पे ही बैठा रहेगा, खटिया पे ही लेटा रहेगा, पड़ा पड़ा खटिया पे रहेगा, पूरे कपड़े गंदे हो रहे, रूम गंदी पड़ी है, पर से खाना भी नहीं आता, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा रहा, रूम से बास आना शुरू हो गई, गंदगी आना शुरू हो गई। और बुद्ध ने एक बार ऐसे ही देखा, रही है कोई तो विश्व बीमार पड़ा है, कोई जा नहीं रहा, भगवान खुल गए, और भगवान ने उसकी सेवा की। और जब लोगों ने देखा, जब बाकी उसने देखा कि भगवान खुद जाके उसकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, जब भगवान खुद कर रहे हैं तो फिर वो भी गए। तब लोगों ने एक बात समझी कि किसी का स्वभाव कैसा भी हो सकता है, हम किसी से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि स्वभाव चेंज करना चाहिए, पर हमें हमारे पुण्य का भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। वो भिक्षु बीमार था, भले ही बोलेंगे वालेगा, लेकिन इससे हमारे तो पेशेंस बढ़ेगा ना, कोई शेर होता है तो उससे हमारा पेशेंस बढ़ता है, कोई चिचड़ा होता है तो उसे हम भी समझ जाते हैं, हमें डर होता है कि नहीं, हमें और सावधानी आती है, अरे ऐसा करूंगा पिछड़ जाएंगे, वैसा करूंगा पिछड़ जाएगा, हम भी डेवलप होते हैं, जितनी परिस्थितियां बेकार होती है उतना हम डेवलप होते हैं, उतना हमें सीखने का मौका मिलता है। तो ये दो बातें सीखने को मिलती है इस कहानी से, कि एक अगर चिड़े हो जाओगे तभी कोई काम हेल्प नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, और उसमें अपनी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा ही स्वभाव ऐसा है इसलिए मेरे को सहायता नहीं करना। अगर आप तो कोई चिड़चिड़ कर रहा है तो आपने सोचना चाहिए मेरे पेशेंस की टेस्ट है, अगर आप चिड़चिड़े हो तो इस प्रकार सोचोगे मैं चिड़चिड़ा बनूंगा तो आखिरी मेरे को हेल्प नहीं करेगा, मेरे पास कोई नहीं। और दूसरा, अगर आप पे कोई चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आपने ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये मेरी पेशेंस का टेस्ट है। तो दो तरीके से आपको सीखना है, अगर आप अपने आप पेशेंस डेवलप करते हो और अपना एंग्री स्वभाव चेंज करते हो तो आपका क्या होगा, फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, आपके हेल्पिंग के लिए क्या रहेंगे, कई सारे लोग रहेंगे। और ना अगर आज आपकी कोई हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आ रहा तो समझो कि कहना कि मेरी गलती है, अगर आप पे कोई गुस्सा हो रहा है और वो गुस्सा ठंडा नहीं कर पा रहे आप तो समझे गलती मेरी है। हमको खुद में देख के चेंजेस करना है, तो इतना हमें समझना है, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।